राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, तैयारियां अपने चरम पर है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में लग चुकी है, लेकिन सियासी गलियारों में कई दिनों से कई चर्चाएं चल रही है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अंदर खाने में जो गुटबाजी का दौर चल रहा है, क्या उसी तरह बीजेपी के अंदर खाने में भी गुटबाजी का दौर चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है। क्योंकि हाल ही में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सभा आयोजित हुई। सभा में बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन सभा में वसुंधरा राजे जब तक नहीं आई थी, तब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वसुंधरा राजे इस सभा में भी शामिल नहीं होगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से ठीक 5 मिनट पहले वसुंधरा राजे की एंट्री हुई। सभा चलती रही, कार्यक्रम आगे की तरफ लगातार बढ़ता रहा। सभी नेताओं ने अपने अपने भाषण दे दिए, लेकिन इसी बीच एक और बड़ा सवाल जो है यहाँ खड़ा हो गया। हम आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में भाषण देना तो बहुत दूर की बात, दो शब्द भी नहीं कहे। आखिर क्या कारण रहा कि वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी सभा में अपना एक छोटा सा भाषण भी नहीं दिया? क्या वसुंधरा राजे का भाषण नहीं देना पहले से तय था, या फिर वसुंधरा राजे भाषण नहीं देकर पार्टी को अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी? ये कई बड़े सवाल जो है यहाँ राजस्थान की राजनीति में खड़े हो जाते हैं। सभा खत्म हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा खत्म हो गई, लेकिन सभा खत्म होने के ठीक एक दिन बाद ही हमारे सामने एक ऐसी बड़ी खबर आई जिससे राजस्थान की राजनीति की सियासत फिर से गर्मा गई। आपको बता दें कि सभा के ठीक एक दिन बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह को जयपुर आना पड़ गया। अब इस बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कौन सा काम अधूरा छोड़ गए थे जिसे पूरा करने के लिए जेपी नड्डा और अमित शाह को जयपुर आना पड़ गया। क्या जेपी नड्डा और अमित शाह वसुंधरा राजे की नाराजगी को दूर करने आए हैं, या उन्हें मनाने के लिए आए हैं, या कई दिनों से पार्टी और वसुंधरा राजे के बीच जो अटकलें चल रही है उन्हें दूर करने के लिए आए हैं? ये कई बड़े सवाल जो है यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वही आपको बता दें कि कल शाम को होटल में जेपी नड्डा और अमित शाह ने जो है भाजपा के कई पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सीपी जोशी, अरुण सिंह और वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। सूत्रों के हवाले से खबर आई, बैठक में जो है आगामी विधानसभा की चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई, और भी चुनावों के मुद्दों से जुड़ी कई चर्चा जो है बैठक में की गई है। लेकिन अब देखने लायक ये होगा कि क्या इस बैठक से पार्टी वसुंधरा राजे की नाराजगी दूर कर पाई है, या फिर पार्टी और राज्य के बीच में जो कई दिनों से अटकलें चल रही थी वो इस बैठक से दूर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और इसी के साथ सूत्रों के हवाले से हम आप तक एक खबर और पहुंचा दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद 2 अक्टूबर को फिर से जयपुर का दौरा कर सकते हैं, राजस्थान को कई बड़ी सौगातें दे सकते हैं। ये बड़ी खबर जो है हमारे सामने सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बाकी चुनाव से जुड़ी सभी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।